नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और चीन के बीच दूसरे चरण की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाओं के हटने के मुद्दे पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में। राजस्थान में राजनीतिक संकट बरकरार, जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक। सरकार ने वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य सेवा के खर्चों को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 63.01% से अधिक हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए सभी देशों से व्यापक रणनीति बनाने का आह्वान किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और चीन सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की चौथी वार्ता आज पूर्वी लद्दाख में चुशुल में आयोजित की जाएगी। तीसरी बैठक चुशुल में ही 30 जून को हुई थी। सेना के सूत्रों के अनुसार दूसरे चरण की वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य टकराव समाप्त करने के बारे में आज मुख्य रूप से चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत के बाद सेना के कमांडरों के बीच आज की बैठक महत्वपूर्ण है। पिछले बैठक में वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों पक्षों को इस क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए LAC के साथ चल रही विघटन प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। PLA पहले ही समझौते के अनुसार गैलवन घाटी और गोगरा और हॉटस्प्रिंग जैसे घर्षण बिंदुओं में 2 किलोमीटर तक पीछे हट गया। इसी तरह भारतीय सेना भी पिछले वाहिनी कमांडर स्तरीय वार्ता के दौरान अपनी सहमति के अनुसार वापस आ गया है। हालांकि सेना के सूत्रों ने कहा कि आज की वार्ता मुख्य रूप से पेंगोंग त्सो के फिंगर फोर पर और देपसंग मैदानों पर केंद्रित है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के नेतृत्व दक्षिण जिनजियांग सैन्य प्रांत के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। राजस्थान में राजनीतिक संकट बरकरार है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के दो खेमों में बंटने से सरकार संकट में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज जयपुर में फिर होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी अन्य विधायकों के साथ आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट समेत सभी कांग्रेसी विधायकों को लिखित आमंत्रण भेजा गया है। श्री सुरजेवाला ने कहा कि विधायकों से बैठक में आने और किसी से किसी को कोई मतभेद है तो उसे अपनी बात खुले मन से रखना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कल रात एक बार फिर दावा किया कि सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पायलट समर्थक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए दावा किया कि उनके पास 30 विधायक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने सवाल किया है कि यदि गहलोत सरकार के पास बहुमत है तो विधायकों को होटल में क्यों बंद किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि पुलिस का पैरा हटते ही गहलोत सरकार गिर जाएगी। इन बयानों के बीच उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गुट की ओर से कल रात एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उनके कुछ समर्थक विधायक एक रिसोर्ट में बैठे दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से जन स्वास्थ्य के खर्च में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। कल आयोग के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 2025 तक जन स्वास्थ्य के खर्च को लगातार बढ़ाते हुए सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के बराबर करने के सरकार के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य के खर्च को भी स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च के 1/3 के बराबर किया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का जिक्र करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य संबंधी खर्च को बढ़ाकर उनके कुल बजट के 8% के बराबर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने वित्त आयोग को जन स्वास्थ्य क्षेत्र को और सुदृढ़ बन करने, निगरानी बढ़ाने, जन स्वास्थ्य प्रबंधन और देश में आरोग्य को बढ़ावा देने वाली स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था कायम करने के बारे में जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं में संशोधन करते हुए इसे 4,90,000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 6,04,000 करोड़ रूपये कर दिया है।
मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के लिए भी अतिरिक्त संसाधनों की मांग की है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक 5,53,471 रोगी ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,850 रोगी ठीक हुए। 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 28,701 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। इस समय 3,01,609 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 500 लोगों की मौत के साथ ही देश में मृतकों की संख्या 23,174 हो गई है। अब देश में मृत्यु दर 2.63% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 2,19,103 नमूनों की जांच हुई है। देश में अब तक 1,18,06,256 नमूनों की जांच हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,246 मामलों की पुष्टि के साथ कुल मामलों की संख्या 1,13,740 हो गई है। दिल्ली में समय 19,017 सक्रिय मामले हैं। अब तक कोरोना संक्रमित 91,312 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। दिल्ली में स्वस्थ होने की दर 80.28% है। एक दिन में 1,344 संक्रमित लोग ठीक हुए हैं। 40 लोगों की मौत के साथ दिल्ली में अब तक 3,411 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में कोविड 19 के 902 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 42,808 हो गई है। इस संक्रमण से कल 10 लोगों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर राज्य में कोविड 19 की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने राज्य का दौरा करने और विभिन्न स्थानों की स्थिति की समीक्षा के बाद कई सुझाव दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने तथा विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने राज्य का दौरा संपन्न करने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास राज्य में लगातार बढ़ रही कोविड 19 मरीजों की संख्या पर चिंता जताई है। राज्य में नगर निगम तथा महानगर निगम के स्तर के अनुसार बेड, ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया कराने की मांग उन्होंने की है। उनके अनुसार राज्य में कई क्वारंटाइन केंद्रों में उचित सुविधा नहीं है तथा जहां पर कोविड मरीजों के लिए अस्थायी सुविधा बनाई गई है वहां पर केवल बेड्स ही नहीं बल्कि अन्य सुविधाएं भी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों से वसूले जाने वाले बिलों के बारे में चिंता जताई है और बीएमसी की कार्यपद्धति पर सवाल उठाए हैं। ऐसे कई मसलों पर मुख्यमंत्री से प्रत्यक्ष भेंट करके इस बारे में चर्चा करने की तथा इस जानकारी का आदान प्रदान करने की विपक्ष नेताओं ने तैयारी जताई है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के 6,497 नए मामलों के साथ कुल रोगियों की संख्या 2,60,924 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 193 और मरीजों की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 10,482 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 1,44,507 मरीजों की इलाज के बाद छुट्टी की जा चुकी है और 1,05,931 मरीज सक्रिय हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 संक्रमण के 189 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,963 हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 33 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43 लोग संक्रमण से ठीक हो गए हैं। अब राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,351 हो गई है। राज्य में आ रहे नए मामलों के कारण स्वस्थ होने की दर में गिरावट आई है। अब यह दर 59.32% रह गई है। बिहार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना ने 10 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। अस्पताल के अधिकारियों ने कई लोगों को परीक्षण का प्रस्ताव किया था लेकिन इस प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से तैयार हुए 10 लोगों का चयन किया गया। वैक्सीन की पहली खुराक इन लोगों को दी गई है और 14 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। डॉक्टर वैक्सीन की खुराक लेने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए डॉक्टरों का एक दल गठित किया गया है। वैक्सीन
वैक्सीन का लोगों के शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। वैक्सीन के प्रभाव की रिपोर्ट तैयार कर ICMR को भेजी जाएगी। अलग अलग लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल जारी रहेगा। हैदराबाद की भारत बायोटेक और ICMR ने संयुक्त रूप से देश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार किया है। वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स समेत देश भर के 12 अलग अलग संस्थानों और कोरोना के विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से किया जा रहा है। सभी संस्थानों के रिपोर्ट के आधार पर वैक्सीन को आम लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। कर्नाटक में कल 2738 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 41,581 हो गई है। नए संक्रमित लोगों में से 1,315 लोग बेंगलुरु से हैं। 73 मरीजों की कल मौत होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या 757 हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने कई स्थानों पर कड़े नियमों के साथ फिर से पूर्णबंदी लागू कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिलों में लॉकडाउन आज शाम 8 बजे से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन की दुकानें खोलने की छूट दी है। इन दुकानों में खाद्यान्न, किराने, फल सब्जी, दूध, मांस और मछली, पशुचारी की दुकानें शामिल हैं। बैंक और दूरसंचार कार्यालय खुले रहेंगे। इस दौरान टैक्सी, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन पूरी तरह सील रहेंगे। बूथ लेवल के कार्यबल घर घर जाकर 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों के बारे में जानकारी लेंगे। एंटीजन जांच जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को इस संबंध में सहयोग देने को कहा है और भरोसा दिलाया है कि लॉकडाउन एक हफ्ते से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सार्वजनिक बस सेवाओं का संचालन 31 जुलाई तक बंद कर दिया है। चेन्नई के अतिरिक्त कई जिलों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। तमिलनाडु में सार्वजनिक बसों का संचालन 15 जुलाई तक बंद है, लेकिन इसे अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोगों में ये आशंका बढ़ रही है कि सार्वजनिक परिवहन के खुले रहने से कोविड का संक्रमण नए लोगों में अधिक बढ़ रहा है। हाल में चेन्नई में संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या रही। बाद में अन्य जिलों में भी लोगों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। कुछ और समय तक बसों के संचालन में प्रतिबंध लगाना कोरोना का फैलाव रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाचार कक्ष से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं भवतारिणी। इस बीच तमिलनाडु में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 1,42,000 से अधिक हो गई है। कल 4,328 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि लगभग 3,000 लोग स्वस्थ होने के बाद घर वापस जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 66 रोगियों की मौत होने के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,000 से अधिक हो गई है। पश्चिम बंगाल में 1,435 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या अब 31,448 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 और मौतों के साथ राज्य में कुल मृतकों की संख्या 956 हो गई है। 11,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 632 मरीजों की इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी हो चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना के 1,09,213 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में रिकवरी रेट थोड़ा कम होकर 61% पर आ गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों के आगमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को आज से चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला किया है। पहले चरण में पर्यटन केवल विमान से आने वाले लोगों तक ही सीमित रहेगा। आगमन पर सभी पर्यटकों की RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आने से पहले पर्यटकों को होटल के कन्फर्म बुकिंग करानी होगी और पहुंचने पर इसकी जांच की जाएगी। सभी पर्यटकों के पास वापसी के लिए कन्फर्म विमान टिकट भी होना चाहिए। होटल के माध्यम से टैक्सी या परिवहन सुविधाएं पहले से ही निश्चित होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ऐसे होटल और ट्रैवल एजेंसियों की सूची उपलब्ध कराएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पर्यटन अवकाश पर आने से बचना चाहिए। सभी पर्यटकों के पास अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए और आगमन के समय ऐप में सुरक्षित मानक की जांच की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी दुनिया भर में बुरी तरह से फैलती जा रही है और निकट भविष्य में हालात सामान्य होने के कोई आसार नहीं है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस अदनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि कई देशों में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। उन्होंने सभी देशों से व्यापक रणनीति बनाने का आह्वान किया है और कहा है कि नए मामलों में मोटे तौर पर आधे अमरीका में मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही फ्लोरिडा प्रांत ने एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 15,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ सलाह कार्यक्रम में कोविड 19 विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए मेदांता अस्पताल के डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने लोगों को अध्ययन, संगीत और योगाभ्यास जैसी सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दी। Some people like to do gardening, some people like to do cooking. All of these qualify as positive addictions and have a significant benefit in reducing the stress. Then social connection is very important. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भारत और चीन के बीच दूसरे चरण की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाओं के हटने के मुद्दे पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में। राजस्थान में राजनीतिक संकट बरकरार, जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक। सरकार ने वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य सेवा के खर्चों को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 63.01% से अधिक हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए सभी देशों से व्यापक रणनीति बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक मुक्त अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में से एक है। कल गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोग टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसके अनुरूप अपने को ढालने में माहिर हैं। श्री मोदी और श्री पिचाई ने टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों, नौजवानों और उद्यमियों के जीवन में बदलाव लाने सहित अनेक मुद्दों पर बातचीत की। श्री मोदी ने सरकार द्वारा हाल में कृषि क्षेत्र में सुधार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के बारे में भी चर्चा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसी वर्चुअल प्रयोगशालाओं का सुझाव दिया जिनका उपयोग विद्यार्थियों के साथ साथ किसान भी कर सकें। डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में श्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी कंपनियों को आपसी भरोसे की कमी को दूर करने की दिशा में प्रयास करने होंगे। वर्चुअल बैठक के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ाने में टेक्नोलॉजी के उपयोग, स्थानीय भाषाओं के जरिए टेक्नोलॉजी तक पहुंच बढ़ाने, खेलकूद के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए दर्शकों को स्टेडियम जैसा एहसास कराने और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें शिक्षा, सीखने और डिजिटल भुगतान जैसे कई क्षेत्रों में गूगल द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। गूगल प्रमुख ने प्रधानमंत्री को भारत में गूगल द्वारा की जा रही पहलों और नए उत्पादों की जानकारी दी। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने संबंधी गूगल के प्रयासों के फायदों की चर्चा करते हुए श्री पिचाई ने बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला की शुरुआत के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कोविड 19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने के गूगल के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए लॉकडाउन के सशक्त कदम से महामारी के खिलाफ भारत का मोर्चा बड़ा मजबूत हुआ है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपनी कंपनी के जरिए इंडिया डिजिटाइजेशन फंड में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। गूगल फॉर इंडिया नाम के छठे वार्षिक वर्चुअल आयोजन में कल उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग अगले 5 से 7 वर्ष में इक्विटी निवेश और कंपनी के साथ समझौतों के जरिए किया जाएगा। गूगल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कंपनी का ये कदम भारत और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कंपनी के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि निवेश में भारत में डिजिटाइजेशन के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी आज वेब आधारित एक कार्यक्रम में हरियाणा में कई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
इन परियोजनाओं में कई राजमार्गों को चार लेन में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर 227 किलोमीटर के इस्माइलपुर से नारनौल तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 6 लेन को बनाए जाने की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस पर 8,500 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक कल वर्चुअल संपर्क के जरिए आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन संयुक्त रूप से करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कोविड-19 महामारी, विदेश व्यापार पर इसके असर, लोगों की आवाजाही और महामारी से निपटने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि भारत यूरोपीय संघ संबंध, व्यापार और निवेश तथा आर्थिक मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। भारत और यूरोपीय संघ ने सन 2000 में शिखर स्तर की वार्ता संबंधी प्रणाली विधिवत कायम की थी। इस वर्ष इस प्रणाली को 20 साल पूरे हो गए हैं। पिछली शिखर वार्ता 2017 में हुई थी। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू कोविड लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बीच खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक में जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों और नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रियाकलापों पर चर्चा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि देश अभी अनलॉक के दूसरे चरण में है, ऐसे में खेलों और युवाओं से संबंधित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करना जरूरी है। श्री रिजिजू ने कहा कि एथलेटिक्स और भारोत्तोलन के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिए गए हैं, जबकि मुक्केबाजों के लिए अगले कुछ सप्ताह में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री सेवा निधि कार्यक्रम लागू करने में सबसे ऊपर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम राज्य में रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद के लिए लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के हितग्राहियों को शामिल किया गया है। प्रदेश में अब तक 15,500 प्रकरण मंजूर हो चुके हैं और कुल 15 करोड़ 50 लाख की ब्याज मुक्त ऋण राशि स्वीकृत की गई है। योजना में 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन करवा लिया है। इनमें से 1,76,000 विक्रेताओं को परिचय पत्र और वेंडर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 10,000 की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी, जो पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। इस ऋण राशि पर आने वाले ब्याज का 7% हिस्सा केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। खास बात यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर साल में अधिकतम 1200 रुपए का विशेष अनुदान भी प्राप्त होगा। समय पर राशि का भुगतान करने पर वेंडर्स अधिकतम 20,000 रुपए की कार्यशील पूंजी आगामी वर्ष में प्राप्त कर सकेंगे। वहीं उन्हें ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट की सुविधा भी मिलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 का दायरा बढ़ा दिया है और इसके साथ दमकल, एम्बुलेंस, रेलवे पुलिस और आपदा राहत से संबंधित सेवाओं को जोड़ दिया है। अब लोगों को कई आपात नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और वो किसी भी स्थिति में सहायता के लिए 112 नंबर डायल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक और 112 आपातकालीन सेवाओं के प्रभारी असीम अरुण ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि अब एम्बुलेंस की 108 नंबर की सेवा, महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी 1090 सेवा और दमकल, रेलवे और आपदा से जुड़े मामलों में किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोग सीधे 112 नंबर पर फोन कर सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं 112 की प्रबल प्रतिक्रिया देने वाली पुलिस की गाड़ियों के बेड़े ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने, उन्हें दवाइयां और भोजन पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका भाई है और साथ ही साथ सवेरा नामक मुहिम के जरिए बुजुर्गों की विशेष तौर पर मदद कर रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम में सभी प्रमुख नदियों के उफान पर बने रहने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बाढ़ से 27 जिलों के करीब 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 60,000 विस्थापित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से संबंधित घटनाओं के कारण राज्य में अब तक 50 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बाढ़ के कारण कई जगह सड़क संपर्क भी बाधित हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। धेमाजी, दरांग, बारपेटा और बोगई गांव जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कल बाढ़ प्रभावित डिब्रूगढ़ जिले का दौरा किया। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर।
दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में पारा न्यूनतम तापमान 18 रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, यहां गरज के साथ बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। मुकेश, गूगल के भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, गूगल भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करेगा। जनसत्ता की सुर्खी है, मोदी पिचाई में डेटा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। अमर उजाला के अनुसार कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, चार प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, पिचाई ने की डिजिटाइजेशन फंड की शुरू करने की घोषणा। राजस्थान में शहमात का खेल जारी शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया गहलोत ने। जनसत्ता की सुर्खी है, पायलट के बागी तेवर कायम, संपर्क में शीर्ष नेतृत्व। नवभारत टाइम्स लिखता है, गहलोत का राज बचा लेकिन पिक्चर बाकी है। दैनिक जागरण के अनुसार गहलोत ने दिखाया दम, पायलट भी अड़े। हिन्दुस्तान ने एहतियात शीर्षक से लिखा है, लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर सेना तैनाती बढ़ाएगी, अभी 4 डिवीजन तैनात। पत्र ने कमांडर स्तर की वार्ता आज होने की खबर भी दी है। जनसत्ता के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने कहा, ताकिर हुसैन ने दंगाइयों का इस्तेमाल मानव हथियार की तरह किया। दैनिक भास्कर के अनुसार कश्मीर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, गोलीबारी में 1 महिला घायल, 2 AK-47 राइफल बरामद। पत्र ने ग्रेनेड हमला करने वाले 2 आतंकवादियों के गिरफ्तार होने की खबर दी है। राजस्थान पत्रिका ने उपलब्धि शीर्षक से लिखा है, वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जरूरी आणविक प्रोब्स, देश में ही तैयार कोरोना जांच किट का सबसे खास घटक। पद्मनाभ मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए पंजाब केसरी की सुर्खी है, त्रावणकोर का पूर्व शाही परिवार ही संभालेगा मैनेजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पास पलटने वाला निर्णय। पत्र लिखता है, हाईकोर्ट ने केरल सरकार को सौंपने का आदेश दिया। जनसत्ता ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित करने की खबर देते हुए लिखा है, 88.78% छात्र पास, लड़कियां अव्वल। हिन्दुस्तान के अनुसार लखनऊ की दिव्यांशी और बुलंदशहर के तुषार ने 100% अंकों के साथ इतिहास रचा। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, जून में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.09% पर। दैनिक भास्कर ने खास खबर देते हुए लिखा है, नेपाल में ओली सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर कई चीनी कंपनियों को काम दिया, रिपोर्ट में दावा, नेपाल के प्रधानमंत्री को रिश्वत दे रही चीन की सरकार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और चीन के बीच दूसरे चरण की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाओं के हटने के मुद्दे पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में। राजस्थान में राजनीतिक संकट बरकरार, जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक। सरकार ने वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य सेवा के खर्चों को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 63.01% से अधिक हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी देशों से व्यापक रणनीति बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।